फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है ऑप्शन बी। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, क्या आपने कभी किसी अपने के अचानक से खो जाने का दर्द महसूस किया है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है जैसे ये दुनिया अचानक से रुक गई हो और हम सिर्फ उनकी यादों के सहारे रह गए हों? शेरली, जो पहले फेसबुक की सीईओ रह चुकी हैं और इस बुक की राइटर भी हैं, इन्होंने ये सब महसूस किया था। वह अपने पति डेविड ब्रूस के साथ कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने गई थी। उन्होंने अपने बेटे और बेटी को घर पे दादा दादी के पास रहने के लिए छोड़ दिया था। वो दोनों अपने एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैक्सिको गए थे। मुझे नींद आ रही है, यह आखिरी शब्द थे जो शेरली ने सोने से पहले अपने पति की मौत से पहले उनसे कहे थे। जब वो उठी तो उन्होंने देखा कि उनके पति जमीन पर गिरे हुए थे और उनके सिर से बहुत सारा खून बह चुका था, पर वहाँ मौजूद लोग उसे बचाने के लिए डॉक्टर को बुला रहे थे और उसके पास के हॉस्पिटल में लेकर गए। आखिर में शेरली के कानों में जो शब्द पड़े हुए थे, माफ कीजिएगा, हम इन्हें बचा नहीं पाए। उनके पति डेविड 47 साल की उम्र में ही इस दुनिया से जा चुके थे और अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गए थे। इस हादसे ने शेरली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी थी। शुरुआत के कुछ महीनों के दौरान दुख से बाहर नहीं आ पा रही, उसे अपने दिल में एक खालीपन लग रहा था जिसकी वजह से वो ना कुछ समझ पा रही थी ना ही खुले दिल से सांस ले पा रही थी। उसे सब कुछ खत्म होता हुआ लगने लगा था। तभी उनके परिवार ने उसे मुश्किल की घड़ी से संभाल लिया। एडम ग्रांट, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे और शेरली का बहुत अच्छा दोस्त भी, उसने भी उसे समझाया कि ये दुख कभी भुलाया नहीं जा सकता, पर हम इसे फ्लेक्सिबिलिटी लाकर इन चीजों को कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं। हम जन्म से ही गिरकर संभलने की या किसी दुख से उभरने की ताकत को सीखकर पैदा नहीं होते, पर हम ये शक्ति खुद के अंदर ला सकते हैं। हम कितना दर्द सह सकते हैं ये हमारी काबिलियत नहीं है, बल्कि हम कितनी जल्दी इस दुख से उभरते हैं और कितनी जल्दी दूर करते हैं ये हमारी असली काबिलियत है। शेरली और एडम ने ये किताब खास इसलिए बनाई है ताकि हमें पता चले कि हमें कैसे लड़ना है और साहस दिखाना है। किताब की शुरुआत में हमें पता चलेगा कि जीवन के जीने के लिए हमें कौन सी चीजें करनी है। इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम उन लोगों को सहारा दे सकते हैं जिनकी जिंदगी में इस तरह के हादसे हो चुके हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे एक आदमी इस तरह के हादसे से जल्दी उभर सकता है। अंत में ये बुक हमें बताएगी कि कैसे हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसे हालातों से निपटने के लिए काबिल बना सकते हैं। चैप्टर 2, एक दूसरा तरीका भी होगा। वो शेरली के हादसे के आसपास नहीं घूमेगा, बल्कि वो हर एक इंसान की जिंदगी में घट चुकी परेशानी के लिए होगा। शेरली के साथ जो दुखद दुर्घटना हुई, सिर्फ उसके बारे में नहीं बल्कि हर इंसान के साथ हुई किसी न किसी दुखद घटना के बारे में भी है। दुख और सदमा हमेशा बुरे नहीं होते, कभी हम लोग इन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमारी जिंदगी सिर्फ फूलों और गुलदस्तों भरी ही नहीं होती। अगर हम एक ऑप्शन ए को खो चुके हैं तो हमें ऑप्शन बी के लिए खुद को तैयार करना ही पड़ेगा। चैप्टर 3, दुर्भाग्यवश चीजें हम में से किसी के साथ कहीं भी और कभी भी हो सकती हैं। एक बुरी घटना हो जाने के बाद खुद को फिर से खड़ा करना और उस मुश्किल की घड़ी से उभर कर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जब कोई बुरी घटना हमारे साथ होती है तो हमें कुछ समय के लिए बहुत दुख होता है, पर हमें ये समझना चाहिए कि ये एक नॉर्मल बात है। दुख की घड़ी बहुत मुश्किल होती है, पर कई बार हम इसे खुद के लिए और ही मुश्किल बना लेते हैं। हम खुद को उन चीजों के लिए सजा देते हैं जो हमने कभी की ही नहीं, और हम वहीं से उम्मीद छोड़ने लग जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट मार्टिन ने 3 चीजों को ढूंढा जो ऐसे हादसों के बाद इंसान को पहले की तरह नॉर्मल होने से रोक सकती हैं, जिन्हें 3 P's कहा जाता है। पहला P, कुछ घटनाओं के लिए हम खुद को दोषी मानने लग जाते हैं। दूसरा P, जिसमें हम सोचते हैं कि ये अकेली घटना हमारी जिंदगी के हर पहलू पर अपना असर डालेगी। तीसरा, जिसमें हम सोचते हैं कि इस हादसे का दर्द हमारी जिंदगी के खत्म होने तक बना रहेगा। यहाँ एक एग्जाम्पल है कि कैसे ये तीनों P हमारे दुख पर अपना असर डालते हैं और फिर से जीना सीखने के लिए कैसे हम इन 3
एनओपी से छुटकारा पा सकते हैं। शेरली को एक औरत का फोन आता है जिसका रेप हुआ था। वो एक जवान औरत थी जो बर्थडे की पार्टी से लौट रही थी। जब वो घर जाने के लिए निकली तो देखी कि उसके साथ काम करने वाला एक आदमी घर पर जाने के लिए कैब का वेट कर रहा था, इसीलिए वो उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मदद में आगे किया हुआ हाथ ही उस पर हमला कर देगा। कुछ देर के बाद गाड़ी में बैठे हुए आदमी ने एक हथियार निकाला और उसे डरा धमका कर उसके साथ जबरदस्ती की। ये उसके लिए बहुत ही दर्दनाक घटना थी जिसे सुनकर शेरली को बहुत दुख हुआ। शेरली और उस औरत ने ऐसे ही कुछ आम बातें की, अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरे से शेयर किया, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ एक जुड़ाव महसूस किया। फोन कॉल की शुरुआत में वो औरत अपनी अब बीती बता रही थी कि उस हादसे के बाद उसे कैसा महसूस हुआ, पर शुरू में वो घबराई, डरी हुई और गुस्से में थी। बाद में उस औरत ने उन सब चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार समझना शुरू कर दिया और वो सोचने लगी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी दोष वो खुद है। शेरली ने उस औरत को शांत करवाया और उसे 3P के बारे में समझाना शुरू किया। पहले शेरली ने कहा, खुद के साथ इतना स्ट्रिक्ट होना बंद करो, जब कुछ भी बुरा तुम्हारे साथ होता है तो वो तुम्हारी वजह से नहीं होता। उसने उस औरत को कहा कि खुद को दोष मत दो कि तुमने क्यों उसे गाड़ी में बिठाया, क्योंकि ये तो सिर्फ एक तरीका था जिससे पता चलता है कि तुम कितनी दयालु हो, किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद उन्होंने उस औरत के जीवन में हुई अच्छी घटनाओं के बारे में भी बात की। शेरली ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना या अचानक से हुई चीजें हमारी जिंदगी के हर हिस्से को बुरा नहीं बना सकती। उसके पास अभी भी अपना परिवार है, दोस्त है और खुद भी अपने साथ है। अंत में शेरली ने उसे याद कराया कि एक हादसा उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं रहेगा। वो सिर्फ एक रेप विक्टिम नहीं बल्कि एक बहुत ही नेक दिल इंसान है जो आने वाले जीवन में कुछ बड़ा या कमाल कर सकती। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसी औरत ने शेरली को फिर से कॉल किया और कहा कि उस रेप के दोषी का केस आगे बढ़ रहा। उसने ये भी बताया कि 3PS उसे आगे बढ़ने और अच्छा महसूस कराने में भी बहुत मदद कर रहा है। हम सबको पता है कि जीवन में कुछ हादसे, कुछ उतार चढ़ाव जरूर आते हैं। अगर हमें उन चीजों से उभरना है तो खुद को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। हम इन कला को आने वाले कुछ चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 4, एक ऐसा ये लाइन है, एलिफेंट इन द रूम मुद्दा दिखाता है कि जिसके बारे में जानते तो सब है पर उसके बारे में बात कोई नहीं करना चाहता। अगर हमारे जानने वाले किसी इंसान के साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण चीज घट जाए तो हमारे लिए उनसे सीधा तौर पे पूछना कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं काफी मुश्किल हो जाता है। शेरली ने भी अपनी जिंदगी में ये चीजें महसूस की थी। शुरुआत में तो उसे समझ नहीं आया कि लोग उसकी परवाह क्यों नहीं कर रहे, ना ही वो उसके पति की मौत के बारे में पूछ रहे, और तो और किसी ने ये तक नहीं पूछा कि वो उस दर्द से कैसे बाहर निकल रही है। कोई भी उसकी परवाह नहीं कर रहा था। ये चीजें उसके दुख को और भारी बनाते गए। अपने पति के अंतिम संस्कार के कुछ महीने बाद शेरली अपने पति के रूममेट से मिलने का फैसला लेती है, वो भी इसी दुख की घड़ी में। उसने सोचा कि शायद वो उससे कुछ बात कर सके। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाइक है।